नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M31 Prime versus Realme 7 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M31 Prime में 6.27 इंच जबकि Realme 7 Pro में 6.33 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो M31 Prime में 2.96 इंच जबकि Realme 7 Pro में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है जो कि M31 Prime से कम है। बात करें थिकनेस की तो M31 Prime में 0.35 इंच जबकि Realme 7 Pro में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M31 Prime में 191 ग्राम जबकि Realme 7 Pro में 182 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो M31 Prime में 19:5:9 जबकि Realme 7 Pro में 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M31 Prime में 1080x2340 और Realme 7 Pro में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M31 Prime में 83.92% जबकि Realme 7 Pro में 82.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M31 Prime में 403 पिक्सल प्रति इंच जबकि Realme 7 Pro में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M31 Prime में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme 7 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो M31 Prime में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme 7 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो M31 Prime में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Realme 7 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M31 Prime में Mali G72 MP3 जबकि Realme 7 Pro में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M31 Prime में Samsung Exynos 9 Octa 9611 और Realme 7 Pro में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है। बात करें RAM की तो M31 Prime में 6GB की RAM मिलती है जबकि Realme 7 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो M31 Prime में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme 7 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो M31 Prime में अप टू 512GB जबकि Realme 7 Pro में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी M31 Prime में 6000 mAh जबकि Realme 7 Pro में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M31 Prime में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme 7 Pro की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,599 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,199 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Samsung Galaxy M31 Prime में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 7 Pro की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme 7 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है, दूसरा Samsung Galaxy A32 4G है, तीसरा Moto G40 Fusion है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।